अभी तक आपने देखा, हमने उल्लासनगर में स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर किया, रात को हम कल्याण लौट कर आए, सुबह हम दोबारा उल्लासनगर सिंधी फूड ब्रेकफास्ट में इंजॉय करने गए, बहुत मजा आया। सेकेंड हाफ ऑफ द डे हम उल्लासनगर से नेरल जाने को निकले, नेरल से हमने टॉय ट्रेन ली और हम पहुंच गए माथेरन। MTTC माथेरन में नाइट स्टे हमारा काफी अच्छा रहा। सुबह हम MTTC माथेरन से चलकर सनराइज देखना चाहते थे, जो कि 1.5 किलोमीटर में सनराइज पॉइंट था। अंधेरे के अंदर हम निकल पड़े सनराइज पॉइंट देखने के लिए। उफ, कितना अच्छा लग रहा है, गजब, हवा तेज चल रही है। अरे वाह, क्या मजा आ गया, क्या चार्म है, व्हाट अ ब्यूटी। पौधे पत्ते झूल रहे, इसे आप अंदाजा लगा लो हवा इस समय कितनी तेज चल रही है। और यहाँ जैसे आप जानते हो कि पोल्यूशन फ्री जोन है, यहाँ पे इस पॉइंट के आगे, मतलब दस्तूरी ना के आगे आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते, तो उस वजह से ना बहुत एयर में फ्रेशनेस है, हवा में ताजगी है। पहुँच गए हम, मैं इस पट्टी की बात कर रहा था। आमतौर पे शहरों में ऐसा व्यू तो देखने को मिलता ही नहीं है। माथेरन की जो आबो हवा है ना, ये तो किसी को भी इंप्रेस कर देगी। काश हिंदुस्तान के बाकी हिल स्टेशंस भी ऐसे ही होते जैसे माथेरन है, कि एक पॉइंट तक आप गाड़ी में आ सकते हैं, उसके बाद आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। तो जो आनंद माथेरन आके आ रहा है वो हर हिल स्टेशन में आता। ये चीज़ इन्होंने यहाँ जो प्रिजर्व करी हुई है ना, काबिल तारीफ़ है। और यही एक रीज़न है मैं माथेरन आया, क्योंकि मैं आकर खुद देखना चाहता था कि जैसा मैंने माथेरन 20 साल पहले देखा था, आज भी वैसा ही है या अब गाड़ियाँ जाने लगी हैं। तो मेरे को अच्छा लगा कि चीज़ें ओवरऑल प्रिजर्व है। कुल मिला के यहाँ पर आके मेरे को वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाट अ मोमेंट, अति सुंदर। रुकेंगे अभी हम 10-15 मिनट यहाँ पर, थोड़ा बैठते हैं, सन को और अच्छे से देखते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे। जहाँ पर हम खड़े हुए थे ना, सनराइज देख रहे थे, उसके बगल में ही ये पैनोरमा पॉइंट है। यहाँ पर अगर आप खड़े होके देखो तो आप लेफ्ट राइट काफ़ी दूर तक देख सकते हो, और अच्छा बड़ा एंगल है जो दिखाई देता है। अब सनराइज वहाँ से हो रहा है पीछे से, और अब रोशनी यहाँ पड़ रही है ना पहाड़ के ऊपर, तो अब ज़्यादा अच्छे से हमें व्यू दिखाई दे रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ, वहाँ एक बड़ी सी वाटर बॉडी है। ऑलमोस्ट हम ना MTTC के पास पहुंच ही चुके हैं। ये जो आप गाड़ियां खड़ी हुई देख रहे हो, ये बड़ी सी पार्किंग स्पेस है। अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल लेके आते हो तो यहाँ पर खड़ी करो, और यहाँ से आगे घोड़े से, पैदल या फिर टॉय ट्रेन से आप माथेरन जा सकते हो। तो काफ़ी लोगों ने गाड़ी यहाँ खड़ी करी हुई, इसे अंदाज़ लगा लो इस समय माथेरन में ये लोग तो हैं ही हैं। इसके अलावा हम जैसे लोग भी आए हुए हैं जो गाड़ी लेकर नहीं आए। और इसके बगल में ही MTTC की प्रॉपर्टी है, मतलब हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगेंगे पैदल जाने में। सही है, गुड, आओ। मैं बताना भूल गया था, जब आप माथेरन आते हो ना तो पर पर्सन 50 रुपये एंट्री चार्ज देना होता है, ये लिखा है ना, चाइल्ड 25 रुपीज़, ये काउंटर है। और यहाँ बगल में टैक्सी स्टैंड है, तो नीचे से टैक्सी यहाँ तक आती है, फिर आप यहाँ से अंदर एंट्री लेते हो। और अगर आप ट्रेन पे आते हो तो वहाँ पर भी एक गेट लगा हुआ है, आप एंट्री चार्ज देते हो और अंदर माथेरन के आ जाते हो। तो ये रास्ता है बेसिकली माथेरन एंटर करने के लिए। आठ 40 की गाड़ी, मैंने आपको बताया था ना, ये टॉय ट्रेन सामने खड़ी हुई है, ये अमन लॉज का रेलवे स्टेशन है। 40 रुपए पर पर्सन हमने टिकट कटवा ली है।
अमन लॉज से माथेरन तक जिस बोगी में हम सफर कर रहे हैं ना, मतलब जिस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर सिटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब मैं इधर को फेस कर रहा हूँ, मेरे सामने वाली जो सीट्स हैं वो उस तरफ को फेस कर रही हैं। तो अगर आपका 4-6 लोग का ग्रुप है तो आप आमने सामने बात करते करते सफर इंजॉय कर सकते हो। आमतौर पर ऐसा नहीं रहता, एक ही तरफ सारी फेसिंग सीट्स रहती हैं। जब हम ट्रेन बोर्ड कर रहे थे मैंने नोटिस किया था इसमें 2 इंजन है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। सही है, इंटरेस्टिंग सफर इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप पैदल या घोड़े पे आते हो तो आप इस रास्ते से आओगे, ये दिख रहा है सामने, तो यहाँ से चलोगे। ट्रेन भी बगल बगल से ही जाती है लेकिन ये रास्ता पैदल आने वाला थोड़ा सा लंबा है। और अब माथेरन का रेलवे स्टेशन पास ही, हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पर, क्योंकि ये मार्केट तो हमें दिखाई दी गई है, ये माथेरन की मार्केट है। माथेरन स्टेशन पहुंच गए। माथेरन टू अमन लॉज टोटल 8 गाड़ी हैं, सैटरडे संडे अगर मिला लेंगे तो, वीकडेज की बात करेंगे तो 6 गाड़ी हैं, सामने टाइम टेबल लिखा हुआ है। शाम को आखिरी गाड़ी 5:20 को जाती है, टिकट फेयर लिखा हुआ है एडल्ट 305, चाइल्ड 180 फर्स्ट क्लास में, और ऑर्डिनरी में एडल्ट 45 चाइल्ड 30। वैसे तो ये देखो लिखा है अमन लॉज का, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आप नेरल का भी फेयर इतना ही है, यानी यहाँ से चाहे नेरल चले जाओ चाहे आप अमन लॉज उतर जाओ। सही है, हम क्या करते हैं ना, अभी 11:35 की जो गाड़ी है ना वो लेंगे, वो सही रहेगा। 20 मिनट में हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी 9 का टाइम है, हमारे पास 2.5 घंटे हैं यहाँ पर। बाहर चलकर मार्केट घूमते हैं, उसके बाद लेक विजिट भी कर लेंगे। आओ, अभी देख के ऐसा लग रहा है कि बाजार पूरी तरह से खुलने में 1.5 घंटा लग सकता है, तो क्या करते हैं पहले लेक की ओर चलते हैं, फिर लौट कर आएंगे, तब तक बाजार पूरी तरह से खुल चुका होगा, अच्छे से घूम लेंगे। सामने आप घोड़े खड़े हुए देख सकते हो, मैंने भी किसी से पता लगाया, ये कह रहे हैं कि जैसे अब किसी ने लेक तक जाना है और वापस आना है तो उसका 350 रुपये चार्ज है, आपको यहाँ के चार पाँच पॉइंट देखने हैं तो उसका भी 300 से 350 का चार्ज है। अब हम जहाँ पे थे ना अमन लॉज, अगर आप घोड़े पे ऊपर आना चाहते हो तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 350 के आसपास कॉस्ट करता है, और अभी वीकडे ऑफ सीज़न, वीकेंड जो होता है वो सीज़न हो जाता है। एक चीज़ आप और नोटिस करो, बाकी हिल स्टेशन में ऐसा नहीं होता, जैसे अब ये दूध चाय सिलेंडर जितना भी सामान नीचे से यहाँ आता है ना, इस प्रकार से आता है, तो सामान लोड करते हैं और 2 लोग मिलकर इसको धक्का मार के ऊपर लाते हैं। ऐसा आमतौर पे किसी भी हिल स्टेशन में नहीं होता, वहाँ तो हर जगह गाड़ी होती है, गाड़ी में लोड होता है, ट्रक भी आ जाते हैं आजकल तो हिल स्टेशन, ट्रक तो नहीं बट बड़े बड़े टेम्पो आ जाते हैं। चलो थोड़ा लेक तक चलते हैं और लेक देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, और रास्ते में कहीं कुछ नाश्ता पॉइंट दिखाई देगा तो नाश्ता कर लेंगे। सामने लिखा हुआ है फेमस वड़ा पाव सेंटर, अभी बंद है, चलो आगे चल के देखते हैं। रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे हैं, देखो इसी जगह मेरे को 2-3 रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे हैं। पहुंच गए हम लेक के पास, वाह कितना खूबसूरत व्यू है लेक का, तो गजब। 1/2 घंटा लगा हमें यहां तक पहुंचने में, 2 किलोमीटर का पूरा सफर है, बहुत मस्त लग रहा है। वाह, हाईली इंप्रेस्ड, क्या खूबसूरत नजारा है, सो लवली। अब देखो हम ऐसा चल रहे हैं धीरे धीरे, और बगल में जो लेक है ये ज़्यादा नीचे नहीं है, मुश्किल से 1 या 1.5 फीट नीचे होगी, मतलब हमारा इसका पानी है जो 1.5 फीट नीचे ही है। बहुत बढ़िया नेचुरल एनवायरनमेंट है, दिल खुश हो गया, देखने से इतना तो समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी लेक नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है कि अगर आप माथेरन आए और आपने लेक विजिट नहीं करी तो समझ लो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया। और सबसे बढ़िया बात क्या है, इन्होंने ना ये ऊपर टाइल्स लगाई हुई हैं, मान लो आपको
लिए किनारे चलना है, नज़दीक से फ़ोटोग्राफी करनी है वो कर लो, यहाँ पर बैठना है और व्यू देखने हैं वो कर लो। हर कुछ कुछ डिस्टेंस पे बेंचेस लगे हुए हैं, व्हाट अ व्यू, हाईली इम्प्रेसिव। इधर बैठेंगे हम कम से कम आधा घंटा। मेरा मन है मैं यहाँ पर बैठ के ना कुदरत के इस नज़ारे को देखूं और इन्जॉय करूं। वैसे शाम के समय भी लेक देखने आएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उस समय क्या होगा ना, सूरज यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी मैं लेक को देख रहा हूँ तो सूरज की रोशनी मेरी आँखों में पड़ रही है, तो शाम को देखेंगे तो क्या है, सन पीछे होगा, आप सामने देख रहे होंगे। गज़ब। लेक किनारे ही चार से पांच ढाबे हैं, उनमें से एक ढाबे में हम आए हैं और हम खा रहे हैं वड़ा पाव। जब आप इस रीजन में सफ़र करोगे ना, इस रीजन मतलब महाराष्ट्र के बारे में तो मैं श्योर हूँ, बाकी एरियाज़ का नहीं पता। ऐसे एक लाल चटनी रहती है और एक हरी रहती है, ये लहसुन और कांदे से बनी रहती है, साथ में लाल मिर्च या तो ठेचा है या पुदीना है। बड़ा पाव बहुत शानदार बनाया है, तो उससे मेन बात पता क्या, एकदम फ्रेश है, सो बात की एक बात, उसकी वजह से टेस्ट बहुत गजब है। और ये लाल मिर्च है ना बहुत तीखी है। ओवरऑल टेस्ट मेरे को मज़ेदार लगा। बस चाय पी के यहाँ से हम चल रहे हैं, आते समय तो हमें पता भी नहीं चला हम आधे घंटे में आसानी से आ गए, लेकिन अब रिवर्स जाएंगे ना तो हमको थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो हो सकता है हमको 45 मिनट का टाइम लग जाए मार्केट तक पहुँचने में। लेक हमने घूम ली है, ये बाकी जो पॉइंट्स हैं आप यहाँ पर देख लो, डायरेक्शनल एरो इस तरफ की ओर है। हम नहीं जा रहे क्योंकि हमारे को 11:35 की ट्रेन लेनी है, तो आप अगर दो दिन की विंडो लेके आओगे तो ये पॉइंट्स आप विज़िट कर सकते हो। घोड़े पे जाना है, पैदल जाना है, अप टू यू। मैं सोच रहा था कि जैसे अभी हमने सुना है कि यहाँ पर ना बैटरी रिक्शा स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ अगर बैटरी रिक्शा स्टार्ट किया और यहाँ पर बैटरी रिक्शा चलता हुआ दिखाई दिया तो वो ओल्ड वर्ल्ड चार्म कम हो जाएगा। आज की तारीख में यहाँ पर दो ही व्हीकल्स आ सकती हैं, या तो एम्बुलेंस सामने जा रही है या फायर ब्रिगेड, अदरवाइज ये नो व्हीकल जोन है पूरा। तो सामने एक बहुत बड़ा ग्रुप आ रहा है, घोड़े हैं, और क्या अपने को फीलिंग आ रही है, आमतौर पर बाकी हिल स्टेशन में मॉल रोड में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर मॉल रोड के मान लो यहाँ की ये मॉल रोड है एक तरह से, लेकिन पीछे से ही आपको पैदल आना होता है, जैसे आज हम सुबह टॉय ट्रेन लेकर आए ना। अभी हमारी ट्रेन जाने में आधे घंटे का टाइम है, तो कुछ और फूड एक्सप्लोर कर लेते हैं। इधर चलते हैं, सुयोग भोजनालय ये सामने वाला है, बोर्ड देख के लग रहा है यहाँ पर हमको काफी कुछ महाराष्ट्रन फूड आइटम्स खाने को मिल सकती हैं। मुझे भी खबर मिली है 11:35 की ट्रेन फुल है, तो हमें कोई टाइम का प्रेशर नहीं है। इस समय सामने देखो घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, 11:25। पहले मैं सोच रहा था कि झुनका भाकरी तैयार होने में 15-20 मिनट तो मिनिमम लगेगा, तो ट्रेन या तो छोड़ दें या झुनका भाकरी ना खाएं, लेकिन अभी सॉर्ट आउट हो गया है, ट्रेन छूट रही है, अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे। ठीक है, 12:45 तक भी निकलेंगे तो आधा घंटा लगेगा। बना दिया आपने, वाह जी वाह। तो एक बार छोटा सा चीज़ बताइए, मेरे को भूल गया है, मैंने पहले एक बार झुनका खाया था, तो इसमें क्या होता है? बेसन, कांदा, हरी मिर्च, हींग, कड़ी पत्ता। बेसन, कांदा, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता। आपके यहाँ अच्छी चीज़ मेरे को क्या लगी, आपके पास बहुत महाराष्ट्रन फूड आइटम बहुत है, तो शाम को कब तक यहाँ पे होता है? 10 बजे तक होता है। तो यही टाइम आप 11 बजे शुरू करते हैं? हम 12 बजे चालू करते हैं। हम आधा घंटा बिफोर टाइम आ गए। नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। अभी थाली भी छोड़ दिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छी प्रिपरेशन है आज यहाँ पर झुनका भाकरी खा के ना, मेरे को रायगढ़ की याद आ गई।
जिस दिन मैं रायगढ़ फोर्ट विजिट करने गया था ना, मैंने वहाँ पर झुनका भाकरी खाई थी कोंकण टूर में पहली बार, तब मैंने डिटेल में समझा भी था, लेकिन अब थोड़ी पुरानी बात होगी ना, मैं थोड़ा सा भूल सा गया था। ये स्वाद बहुत बढ़िया होता है, ये ठेचा है ना, इसमें काफ़ी तीखा रहता है, ओवरऑल गुड है। पिछले एक डेढ़ घंटे से माथेरन घूमते हुए जो मैं समझा हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोकल फूड एक्सप्लोर करना चाहते हो तो 4 से 5 ईटरीज तो हैं जहाँ पर आपको लोकल फूड खाने को मिलेगा। उनके मेन्यू में समझ आ जाता है देख के कि ये लोग लोकल फूड बनाते हैं। एक चीज़ बताऊँ, आप तो इधर ही रहते हो ना माथेरन में, तो माथेरन में जो फसल होती है, फसल नहीं होती, यहाँ पे किसान होंगे ना? कोई भी नहीं। अच्छा, मट्टी उस लाइक में ही फसल होने के, तो इस एरिया में कोई फसल नहीं होती, फसल कोई भी नहीं। और झाड़ होते जो फल के, वो मंकी नहीं रखते उसमें फल, इसलिए फल के झाड़ भी नहीं, कोई बंदर बोलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा समय ऐसा होता है जब टूरिस्ट सबसे ज्यादा आता है, कौन से महीने ऐसे होते हैं? दिवाली वेकेशन और क्रिसमस और अप्रैल में। तो ये समय है कि कोई भी आए तो एडवांस में बुकिंग करवा के आना चाहिए। एडवांस बुकिंग करते हैं, अभी ऑनलाइन हुआ है सब जगह, होटल्स, हमारा तो लॉजिंग है। आपका रहने का भी है? हाँ, रहने का भी है। मुझे किसी ने बताया कि पूरे माथेरन में अगर हम होम स्टे, होटल, गेस्ट हाउस सबको जोड़ लेंगे तो कम से कम 200 से 225 होंगे। होगा, चलो बढ़िया। साथ में हमने अपने लिए एक थाली पीठ भी ले लिया दही के साथ। थाली पीठ बनाने के लिए मेरे को मैम ने बताया चना दाल, बाजरा, ज्वार, गेहूं, इन सबको पहले भून लेते हैं और उसके बाद उसका आटा बनाकर तवे में पराठे की तरह बनाते हैं इसको। और धनिया, प्याज, वो तो आटा गूंदते समय इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्चर देखो जी, ये गजब का है। ऐसे ही खा लेते बिना दही के, टेस्ट बड़ा गजब है। देखो झुनका भाकरी अच्छी थी लेकिन इसका स्वाद मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि झुनका भाकरी ऑलरेडी मैंने जो रायगढ़ में खाई थी ना, मेरे माइंड में वो टेस्ट था, तो ऑथेंटिसिटी वो एक नेक्स्ट लेवल पे थी। लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी मेरे को थाली पीठ की यहाँ जो महसूस हो रही है फर्स्ट बाइट में, नेक्स्ट लेवल है, वेरी वेरी टेस्टी। और किसी को मन है तो मक्खन डाल के भी खा सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी गुड। धन्यवाद, आज का ये स्वाद मेरे को काफ़ी साल तक याद रहेगा। अच्छा लगा। अमन लॉज रेलवे स्टेशन के बगल में ही दस्तूरी नाका टैक्सी स्टैंड है, तो ये सारी आप गाड़ियाँ देख रहे हो ना, तो यहाँ से आप शेयर में 100 रुपीज़ पर पर्सन देके नेरल तक जा सकते हो, या एक एक्सक्लूसिव गाड़ी अपने लिए ले लो, उसका 500 रुपीज़ चार्ज रहता है। और अगर डिस्टेंस वाइज बात करेंगे तो ये नेरल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर का है। तो कल जब हम आ रहे थे तब भी मैंने ऑब्जर्व किया था और अभी हम चले जाएंगे, और 11 किलोमीटर मतलब आधा घंटा ऑन अ हायर साइड। तो नेरल पहुँच कर हम ट्रेन उल्लासनगर के लिए लेंगे, ये हमारा अगले एक डेढ़ घंटे का प्लान है। तो अभी 1:30 बज चुका है तो मुझे लग रहा है कि 3 बजे के अंदर हम उल्लासनगर टच कर जाएंगे। कौन सी गाड़ी भैया हमारी, आ जाओ। गाड़ी का टाइम हो गया, उल्लासनगर की टिकट निकाल ली है, 2:01 की गाड़ी की अनाउंसमेंट हो रही है। सही है, वेट नहीं करना पड़ा। जैसे ही हम नेरल स्टेशन पहुंचे ना, अभी अनाउंसमेंट हुई है कि थाना की गाड़ी आ रही है 2:01 पे, तो एक बार गाड़ी में बैठ के फिर तो मुश्किल से आधा घंटा लगेगा हमको, हम उल्लासनगर पहुँच जाएंगे। सामने देखो लोकल आ रही है ना, नेरल से हम चले, आधे घंटे का हमने लोकल में सफ़र किया और पहुंच गए हम उल्लासनगर स्टेशन। स्टेशन के बाहर आए, मैंने ऑटो लिया नेहरू चौक के लिए, और अभी मैं आ चुका हूं सामने, आप देखिए हरदास मल रेस्टोरेंट, मैं अभी रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा हूं। यहां मैं आज लंच में सिंधी कढ़ी खाने के लिए आया हूं, आइए अंदर चलते हैं।
जब मैं 20 साल पहले उल्लासनगर में जॉब करता था ना, तो उस समय जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती थी वो थी सिंधी कढ़ी। बहुत कुछ अच्छा लगता था लेकिन नंबर वन वॉज सिंधी कढ़ी। तो मैं पहले ही सोच कर आया था मैं उल्लासनगर में सिंधी कढ़ी खाने वाला हूँ लंच में। लेकिन अब आयरनी ये है कि रेस्टोरेंट्स में सिंधी कढ़ी या तो मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो सिलेक्टेड डेज में मिलती है। भैया आप लोग कब बनाते हो सिंधी कढ़ी? हाँ, मंडे थर्सडे। अब ये बात मुझे कल पता चली कि इनके दो दिन होते हैं कड़ी के, तो फिर मैंने फ़ोन पे संपर्क किया इनको, बोला कि भाई मैं तो ट्यूसडे को आ रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप बना दें तो। कहते ठीक है कोई दिक्कत, तो ऐसा करके हम यहाँ पे आ गए। फूड सर्व हो चुका है, आप यहाँ से देखिए जी। राइस, सिंधी कम्युनिटी के लोग कड़ी को सिर्फ और सिर्फ चावल के साथ ही खाना पसंद करते हैं। अब इस कड़ी में मालूम है खास क्या है? खास ये है कि इतनी सारी सब्जी आपको हिंदुस्तान में अगर कड़ी में देखने को मिलेगी तो सिर्फ सिंधी कड़ी में मिलेगी। आलू, बीन्स, भिंडी, ड्रमस्टिक, और ये कड़ी पतली है। पहले मैं सोच रहा था कि थिक ग्रेवी में कड़ी तैयार करते होंगे। आमतौर पे कड़ी बोले तो हल्दी एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, दही या छाछ ये मेन इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन सिंधी कड़ी में दही या छाछ नहीं रहती, बेसन इसका मेन इंग्रेडिएंट है। बेसन को भून कर ऐसा एक रेसिपी होती है, वो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, इसको तैयार करते हैं, लेकिन दही और छाछ नहीं रहती इसमें। और कड़ी कितनी फेमस है ये तो सब लोग जानते ही हैं। मैं सोच रहा था कि वो कड़ी में ना खटास का एलिमेंट होता है जो आमतौर पे दही या छाछ से आता है पंजाबी राजस्थानी कड़ी में, लेकिन इसमें कैसा रहेगा? तो इन लोग इमली इस्तेमाल करते हैं, हल्की हल्की खटास है, बड़ी बेहतरीन टेस्ट है। क्या सब्जी का फ्लेवर है? चार पांच किस्म की जो सब्जी डाली गई है कड़ी के अंदर, चाव है। ये बात का ना मैंने पहले भी जिक्र किया था, पार्टीशन के समय ना उल्लासनगर मिलिट्री कैंप था, तो जब रेफ्यूजीज आए सिंध से तो यहाँ पर कैंप में रहे, फिर धीरे धीरे यहीं पर बस गए, फिर वो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर करके ऐसे पाँच नंबर करके पूरा उल्लासनगर सेटल हो गए। बेसिकली ये कैंप्स हैं, अभी तो कैंप्स नहीं है लेकिन जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था कैंप्स के हिसाब से स्टार्ट हुआ था। तो ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आप उल्लासनगर आएंगे तो यहाँ का फूड खा के आप एक बार तो बोलोगे कि मज़ा आ गया, जैसे अभी समय मैं कड़ी खा के बोल रहा हूँ। वैसे देखो हमारे घर में भी ना हम कमल ककड़ी की सब्ज़ी खाते हैं, लेकिन बहुत कम, समझ लो साल में एक बार या दो बार, लेकिन यहाँ पर बहुत फेमस है। इसको यहाँ पर भी बोलते हैं भी, और साथ में वैसे आलू रहते हैं और ग्रेवी से भी बनाते हैं और सर ड्राई भी बनाते हैं, तो आज इन्होंने ड्राई बनाया और प्याज को इस्तेमाल किया ऐसा मुझे बताया, और साथ में थोड़ी बेसन टिक्की भी ले लेते हैं। ये बेसन टिक्की बहुत नई चीज़ है मेरे लिए, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये भी एक डिश हो सकती है, बेसन टिक्की। ये अलग चीज़ है। मेरे को ना कड़ी का एक तरह से हैंगओवर हो गया था, मुझे लगा कि ये ना खाओ और मैं कड़ी खा लूँ, लेकिन टेस्ट करने के चक्कर मैंने ले लिया और सही बताऊँ बहुत गजब स्वाद है कमल ककड़ी का। ना वैसे कोई स्वाद ऐसा होता नहीं, वैसे जैसे ग्रेवी में बने ना तो वैसा टेस्ट आ जाता है, और थोड़ी च्यूवी होती है। प्रिपरेशन बड़ी लाजवाब करी है, छोटे छोटे आलू के पीसेस कांदे में मिक्स करके हल्के मसाले। तो फूड यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ स्पाइसी नहीं है, मीडियम लेवल पे स्पाइस है। जब मैंने बोला ना मेरे को बेसन टिक्की खानी है, मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि बेसन के पकोड़े होते हैं, बहुत कुछ बेसन से बनता है, लेकिन बेसन टिक्की करके ऐसा सब्ज़ी मैंने आज से पहले कभी ट्राई नहीं करी। हाँ, राजस्थान में गट्टे की सब्ज़ी बहुत पॉपुलर है, मैंने काफ़ी बार खाई है, लेकिन उसको इससे हम मिक्स नहीं कर सकते, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। बड़ा मधुर स्वाद है। ग्रेवी टमाटर की, प्याज की, और ये है बेसन की टिक्की, बेसन का पकोड़ा एक तरह से जिसमें सिर्फ बेसन है। तो बस अभी हमारा प्लान जैसे मैंने पहले बताया यही है
कि लंच फिनिश करने के बाद हम थोड़ा उल्लासनगर घूमेंगे और शाम तक हम यहीं पे हैं, लगभग 7-7:30 बजे तक। उसके बाद हम कल्याण जाके आज का डे एंड करेंगे और कल मेरा प्लान है, कल मैं लोनावला जाना चाहता हूँ, वापस मुंबई आऊँगा और मुंबई से दिल्ली। तो ये छोटा सा मेरा 5 दिन का टूर है। तो आपको मैं कुछ देर में लंच फिनिश करने के बाद ज्वाइन करता हूँ और फिर हम उल्लासनगर घूमते हैं। A1 स्वीट्स में मैं मिठाई खाने के लिए आया हूँ। पिछले 5 मिनट में ना इतनी सारी मिठाई देखे मैं कंफ्यूज ही हो गया हूँ कि मैं क्या खाऊं। एक चीज़ तो मेरे को पता थी, मेरे को जो खानी है एक मिठाई होती है जिसमें ना सेव का इस्तेमाल किया जाता है, नमकीन सेव का इस्तेमाल। ये सिंधी में बोलते हैं सिंगर जी मिठाई, इसका प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है, और हिंदी में बोलते हैं सेव बर्फी, सेव बर्फी मावा मिक्स, सेव बर्फी रबड़ी मिक्स, देसी घी में, प्योर घी में। अच्छा हाँ, और एक रहती है प्लेन सेव बर्फी। अच्छा, एक रहती है डबल डेकर सेव बर्फी, यानी कि ऊपर कलाकंद का फ्लेवर आता है, कलाकंद रहेगी और नीचे सेव बर्फी रहेगी। सेव बर्फी डबल, के अंदर भी 5 तरह की वैरायटी है। हाँ सर, सेव मावा मिक्स ले लो, वो काफ़ी बढ़िया है, छोटा पीस देना। अच्छा, और ये सेव बर्फी जो है ये हमने हिंदुस्तान में तो कहीं सुना नहीं, ये केवल उल्लासनगर में ही मिलती है? ये ज़्यादातर आपको उल्लासनगर में ही मिलेगी। अच्छा, क्योंकि ये सिंधी स्पेशल है। अच्छा हाँ, सेव बर्फी, इसमें फीका सेव इस्तेमाल होता है विदाउट सॉल्ट का, उसमें से हम लोग फिर बर्फी बनाते हैं जी। तो यानी मावा और सेव को मिलाकर, और सेव वो जिसमें नमक ना हो। नमक ना हो, नमक ना हो। कमाल है। देखो, मुझे तो मालूम था मैं क्या खा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई ये मिठाई दे तो फर्स्ट बाइट में इतना समझ में आ जाता है कि आप ऐसी मिठाई खा रहे हो जिसमें सेब का फ्लेवर है, टेस्ट क्या है। ये तो नहीं बोलूँगा मेरे को बहुत पसंद आया या ख़राब लगा, लेकिन समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। आज से पहले मैंने इस तरह का टेस्ट कभी सोचा भी नहीं था कि मिठाई में सेब और मावा मिला के मिठाई बन सकती है। ये चीज़ यहाँ पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, चीज़ ज़बरदस्त है और फ्रेश है, नो डाउट। तो आप लोग की शॉप कितने साल पुरानी है? 54 ईयर्स। हाँ, हम लोग 3rd generation है। अच्छा, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग ने बोला है कि आप जैसे उल्लासनगर में मिठाई एक बार टेस्ट करना चाहते हो और खाना चाहते हो तो A1 मिस मत करना, तो उस हिसाब से मेरे माइंड में था कि मैं आपके यहाँ पर ज़रूर रहूँगा। थैंक यू। काफ़ी अच्छा। और सिंधी स्पेशल हमारा आटा लड्डू रहता है, जो पंजाबी में आप पिन्नी भी बोलते हैं। हाँ, आप दिल्ली से हैं। हाँ हाँ, ये बनती है, ये देसी घी में बुना जाता है। अच्छा हाँ, होल व्हीट है ये। आप टेस्ट, ये आके देखिए। ये पिन्नी जो मैं खा रहा हूँ ना, ये मेरी इतनी फेवरेट है कि मेरा तो मन करता है सुबह मैं ब्रेकफास्ट में 2 पिन्नी खाऊं, सर्दियों की बात हो रही है, और साथ में 1 ग्लास गर्म दूध पी लूं तो आपका नाश्ता हो गया, पेट भर जाएगा। हाँ, और घी की बड़ी लोडिंग होती है। हाँ, हमारे तो घर में बनती है ये रेगुलर। हाँ, मालूम है, पंजाब में तो हर घर में बनती है वैसे भी, दिल्ली साइड, नॉर्थ साइड सब। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी फूड में और सिंधी फूड में काफ़ी सिमिलैरिटी है। यस भैया, पिस क्या है? पिस, पिस ये सिंधी में पिस बोलते हैं। हाँ, बट उसको आप अगर मराठी में बोलेंगे तो खरवस। अच्छा, नाम है उसका, गायें जब दूध देता है। यस, डिलीवरी का दूध रहता है। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया, खरवस करके बोलते हैं जब, आपने पिस बताया। यस, ये होता तो कॉन्सेप्ट में वही है कि डिलीवरी के बाद गाय जब पहला दूध देता है। हाँ जी, तो लेकिन इतना ज़्यादा खुला कैसे बनता है, तो फिर इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? नहीं, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन यही है, डिलीवरी के दूध का ही बनता है वो। हमारे पास में कल्याण मंडी है, दूध की मंडी है, हज़ारों में बैसे हैं वहाँ पे, तो वो हो ही जाता है, मतलब मिल जाता है हम लोग को। अच्छा, दूध ये काफ़ी शुगर लेस बोल सकते हो आप, शुगर फ्री नहीं बोलूँगा, एकदम थोड़ी पड़ती है शुगर, आपको थोड़ा टेस्ट ज़रूर कराऊँगा क्योंकि ये सिंधी स्पेशल है। देखो, मैंने ना खरवस पहले खाया है, 2-3 बार खाया, चीज़ तो वही है ये, लेकिन बनाने का जैसे तरीका अलग होता है ना, इनका तरीका कुछ अलग है।
अब मैं तीन चार मिठाई खा चुका हूँ ना, तो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तो एग्जैक्ट नहीं समझ आ रहा, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि मीठा कम है और टेस्ट लाजवाब है। कुछ कुछ समझ लो, नॉट द राइट एग्जाम्पल, लेकिन थोड़ा थोड़ा पनीर जैसा स्वाद, हल्का हल्का पनीर और चीज़ के बीच का स्वाद है। गोल मैदान के सामने जय माता दी बटर पापड़ी वाला पे हम आए हैं। ये बटर पापड़ी का ना, सच बताऊं, मुझे बहुत सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया कि यार उल्लासनगर की बटर पापड़ी जरूर खाना। तो पहले तो आप ये बताओ, ये होता क्या है बटर पापड़ी? नॉर्मली हम ऐसे बन रहता है गोल, अच्छा, इसको हम बीच में से कट करते हैं, जो कट होता है ऐसा रहता है, तो कट होता है तो ये दो पीस में हो जाता है। ये बनता है मैदा और वीट का, वीट इसमें एकदम कम रहता है, मैदा थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो बस इसको हम बटन बोलते हैं। बट आज के जनरेशन के लिए थोड़ा साउंड में तो बटर कर दिया हम लोगों ने, मैं थोड़ा बोलने में आसानी हो। तो अभी इसका इसका पापड़ी कैसे बना रहे हो? सर ये पापड़ी रहता है। अच्छा अच्छा, आपने फाफड़ा खाया होगा बड़ा वाला, ये उसका छोटा भाई है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि अगर उल्लासनगर आके आपने बटन पापड़ी नहीं खाया ना, तो समझ लेना आपका फूड जर्नी अधूरी है। अधूरी है सर, उल्लासनगर में आना मतलब बहुत फेमस है, फेमस यहाँ के लोगों ने किया है तो। और हाँ सर, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने कमेंट किया कि अच्छा, हमारे यहाँ आइए खाइए, उनका दिल से शुक्रिया। तो हमारे लिए बनाइए ना एक प्लेट। हाँ सर। सर आप तीखा मीठा कैसे खाते हैं? एवरेज मीठा और एवरेज ही तीखा। ओके सर, मीडियम। तो ये बाहर से मुझे लग रहा है थोड़ा क्रिस्प है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। नहीं यार, आपको अच्छा, सॉफ्ट चाहिए तो हम सॉफ्ट भी बना नहीं, देंगे। नहीं ऐसा मुझको देखे आवाज़ से आवाज़ हाँ, से लगा क्रंचीनेस आएगा, मस्त आएगा। पहले हम इसको डिप करेंगे ताकि जब आप खाओ। कौन सा पानी है ये? इमली का सर। अभी उन्होंने डिप किया ना, थोड़ा ये बनते बनते थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ये ग्रीन चटनी है, स्पाइसी जैसा आपने बोला। हाँ, एंड देन अभी बॉयल पोटैटो। अच्छा, और ये हमारा मसाला है नॉर्मल। अच्छा, और ये मिंट वाली चटनी है। अच्छा, देन अभी हम लोगों ने हाल ही में ये ऐड की है स्वीट चटनी, क्योंकि वीडियोस देख के काफ़ी जने आते हैं तो उनको स्वीट लगता है, बाकी अदरवाइज उल्लासनगर वाले स्वीट नहीं खाते हैं। अच्छा, वो सिर्फ स्वीट बोलते हैं। ये पापड़ी, ये दाल मोठ और सेब, देन ये इमली की चटनी और चेरी ऑन केक अनियन। क्या बात है। आज से पहले हम किसी भी तरह की चाट खाते हैं ना, वो ऐसा पानी कोई ऊपर से नहीं डालता, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट ही इन्होंने बहुत अलग सा बनाया है। लास्ट में ऊपर इमली का पानी डाल दिया, इसको आधा करके नहीं खा सकते, पूरा ही खाना पड़ेगा। बहुत डिफरेंट स्वाद है। सबसे पहले देखो वो जो बटन है ना, एक्चुअली वो छोटा पाव है, तो आप इमेजिन करो एक पाव के ऊपर सेब, प्याज, इमली का पानी, मीठा, किस तरह का स्वाद आ रहा होगा। वही स्वाद मुझे ये खा के महसूस हो रहा है, बहुत डिफरेंट चीज़ है ये। पहले मेरे को लग रहा था पाव थोड़ा सख्त है, ऐसा जब बना रहे थे ना तो साउंड से लग रहा था, लेकिन अभी इमली का पानी में उसको डिप करने से ना सॉफ्ट हो गया। ये चीज़ कहीं और नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो शायद वो स्वाद नहीं आएगा जो उल्लासनगर में आएगा। लवली, थोड़ा सा पानी दे दो, उधर जाता हूँ। और थोड़ा सा आपका जो मसाला है ना वो इस पे दे दो। ये मसाला क्या चीज़ है ये? है सर, थोड़े इंग्रेडिएंट्स हैं। मसाले में तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं और क्या होता है। ये टेस्ट आपको कैसा लगा? जैसा बहुत जेन्युइन स्वाद है। अभी सर आप बताऊं? हाँ सर बताइए। ये ना पहली बात है, कंपैरिजन करने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज से पहले ये चीज़ मैंने कहीं खाई नहीं है। हाँ, ये अलग चीज़ है, ये एकदम, ये कोई पानी पूरी थोड़ी है। हम बोले कि हमने यहाँ से खाई थी, वहाँ से खाई थी, या कोई वो चीज़ थोड़ी है।
ये चीज़ हमारे लिए बहुत नई है और गजब है, बहुत गजब है। सर अभी दिल खुश पिला रहे हम आपको। अच्छा सारे चटनी का मिक्सर होता है और पूरा आप रिफ्रेश हो जाओगे पी के एकदम मस्त। ऐसा तो पहले हम इसमें डालेंगे स्वीट चटनी, लिमिटेड, ज़्यादा नहीं। अच्छा देन इंग्रेडिएंट्स वाला मसाला, इंग्रेडिएंट्स वाला मसाला। मैंने कहा था ना उल्लासनगर में सब मीठी बातें करते हैं सर, ये स्पाइसी थोड़ा, हाँ। ये मिंट वाला, लास्ट में हम टैमरिंड का मिक्स करेंगे और हम इसको प्रॉपर खाली मिक्स करेंगे। वाह मैं तो तीन चार तरह के अलग अलग स्वाद आ रहे हैं है? वो फ्लेवर का ब्लास्ट। हाँ वही मैं दे रहा हूँ, अब इसके बाद कुछ खाने का मन नहीं है, ऐसा हो रहा है। बेहतरीन, बहुत शानदार स्वाद है, मजा आ गया भैया आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मुझे बहुत कमाल है। नहीं हमें तो मतलब हम आपके बहुत वीडियोस देखते हैं सर, हम जब जाते हैं तो मीठा बेक बोलते हैं आयो लाल गयो झूले लाल बिलाई पा सदाई शाहूकार। क्या मतलब है इसका? सर हमारा इष्ट देव है झूले लाल, तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो शुरुआत ऐसे ही होती है और एंड भी ऐसे ही होती है। फैंटास्टिक। मेरे को ना इतने मीटअप्स कोई मुझे लगता नहीं यूट्यूबर करता होगा जितनी मैं करता हूँ। मैं तो हर दिन मीटअप, और ये शुरुआत मैंने 3-3.5 साल पहले की थी। पहले मैं करता था लेकिन मेन मेन जगह पे करता था, आजकल तो कैसा है कि किधर भी जाता हूँ शाम को मीटअप। आप भीमा शंकर क्यों नहीं जा रहे? भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में जो एक्चुअली अभी 5 दिन की विंडो के साथ आया मेरे को फ्राइडे, नहीं आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरे को फ्राइडे को ना पहुँचना है दिल्ली। मैं उम्मीद करता हूं आपने माथेरन से उल्लासनगर तक का सफर इंजॉय किया होगा। उल्लासनगर से जाने से पहले हमने सोचा एक कप चाय पी लें, फिर यहां से चलते हैं। नजदीक में सनम चाय पे हम गए और हमने चाय का टेस्ट इंजॉय किया। अगले एपिसोड में आप देखेंगे हम कल्याण से लोनावला तक गए, साइट सीइंग करी, लोकल फूड एक्सप्लोरेशन करी। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।